हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है जी के ओशन यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू जी के ओशन यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण 8 क्वेश्चन। इससे पहले रीजनिंग की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके देना है। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि 782 को 20 और 671 को 17 लिखा जाता है तो 884 की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं बहुत ही ध्यान से। यदि 782 इज इक्वल टू 20 एंड 671 इज इक्वल टू 17 तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 884। देयर इज़ 4 ऑप्शन गिवन, ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। सिंपल क्या करना है, 3 डिजिट का दिया हुआ है। चलिए पहले इसको हम लोग पहले वाला देखते हैं कि यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम उस पैटर्न को यहाँ पर चेक करेंगे, देन हमारा आंसर वहीं से निकलेगा। लिखा है 782 इज इक्वल टू 20। अगर हम लोग 7 और 8 और 2 को आपस में जोड़ देते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 7 2 9 9 और 8 17, बट यहाँ पे है 20। चलिए यहाँ पे हम लोग 3 ऐड करके देखते हैं तो ये हो गया 20। अब इसी सेम पैटर्न को हम लोग यहाँ फॉलो करते हैं, ठीक है। तो क्या किया हमने, सबसे पहले हमें 671 को आपस में ऐड करना है, तो क्या आएगा, 6 + 7 + 1, यानी कि 6 + 1 = 7, 7 + 1, 7 + 7 = 14। 14 में हमने यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो 3 एक्स्ट्रा ऐड करने पे यहाँ पे हमारा 17 आ रहा है, जो कि यहाँ पे 17 है। तो अभी हमने क्या पैटर्न फॉलो किया है, ये जो नंबर दिए हैं इसके डिजिट को आपस में प्लस करके लास्ट में 3 और ऐड कर देना है, और इन नंबर को भी आपस में प्लस करके लास्ट में प्लस 3 और ऐड कर देना है। तो हम लोग चेक करते हैं 884 का आंसर क्या आएगा। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। देखिए 8 + 8 + 4 इज इक्वल टू क्या आया, 8 8 16 16 + 4 20, और 20 में हम लोग लास्ट में 3 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 23, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो समझाया इसलिए यहाँ पे टाइम लगा है, नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन बी है हमारे यहाँ पे सही आंसर। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है ये। यदि पी पति है क्यू का और आर माता है एस, ठीक है, यदि पी पति है क्यू का और आर माता है एस और क्यू की, यानी कि जो आर है वो माता है एस और क्यू की, तो आर से क्या संबंध होगा, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं, यदि पी पति है क्यू का और आर माता है एस और क्यू की तो R से संबंध क्या होगा। क्वेश्चन यहाँ पे सही दिया नहीं हो, हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले देखिए यहाँ पे जो दे रखा है पहले वो लिख लेते हैं, P पति है Q का, यहाँ पे एक मिसिंग है, देखते हैं पहले क्या दे रखा है। P पति है Q का, ठीक है, P पति है तो मेल वाले को हम लोग प्लस से डिनोट करते हैं और फीमेल वाले को Q से, तो यहाँ पे P पति है Q का, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, R माता है S और Q की, ठीक है, R माता है S और Q की, जो ये आर है ये माता है किसकी, यहाँ पे है एस की और क्यू की, यानी कि ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों हो गए, यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि एस फीमेल है या मेल है, इसलिए ये दोनों भाई बहन भी हो सकते हैं और भाई भाई भी हो सकते हैं। तो आपको बताना है आर का, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, आर आर से पी का, यहाँ पे पी होगा, यहाँ पे पी, आर का पी से क्या संबंध है, ठीक है, यानी कि आर का संबंध पी से क्या होगा। देखिए पी और क्यू ये दोनों क्या हैं, पति पत्नी हैं, ठीक है, और आर जो है ये माता है क्यू की और एस की, ठीक है, तो आर का पी से क्या संबंध होगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, देखिए यहाँ पे ये पहले पूछा है आर से, यानी कि हमें आर का ही पता करना है, तो आर पी की क्या होगी, क्योंकि ये फीमेल है तो ये हो जाएंगी सास, ठीक है, सास, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। ईजी क्वेश्चन था ये, यहाँ पे पी दिया नहीं हो तो आप याद कर लीजिएगा, यहाँ पे पी होगा, आर से पी का संबंध क्या है, तो आर जो है पी की क्या है, सास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनना है आपको, ठीक है, विषम शब्द चुनना है आपको,
ये जो है क्वेश्चन है ऑड और इवन का, ठीक है, ऑड वन आउट। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, लोहा, पारा, चांदी और सोना। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ध्यान से देखिए क्या यहाँ पे दे रखा है, लोहा, पारा, सोना और चांदी। विकल्पों में से आपको बताना है कौन सा है विषम, ठीक है, विषम कौन सा ये आपको बताना है। अगर आप इनको पढ़ें जो ऑप्शन दे रखा है लोहा, पारा, चांदी और सोना, ये सभी क्या है, धातुएं हैं, ठीक है, धातुएं हैं, ठीक है, चारों ही धातुएं हैं। बट यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं पारे को, लोहा भी सॉलिड है, चांदी भी सॉलिड है, सोना भी सॉलिड है, मगर पारा क्या है, आपको पता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये जो है लिक्विड फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे जो हमारा अलग है, क्योंकि ये तीनों ही सॉलिड है और ये लिक्विड है, तो हमारा जो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑड वन आउट में ऐसे ही किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या को चुनना है आपको। एनालॉजी का है, नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है ये। यहाँ पे पहले हम लोग को देखना होता है कि 2 का से 12 कैसे आया, उसी तरह में 8 से सेम वैल्यू निकालनी होती है, जो पैटर्न यहाँ पे फॉलो होता है। तो पहले क्या दे रखा है, 2:12, तो हमारा 8 का यहाँ पे क्या होगा, 2 को 12 कैसे लिखा जाए। चलिए अगर हम लोग यहाँ पे 2 का क्यूब कर लेते हैं तो भी हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि 2 का क्यूब पता है आपको क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए हम लोग ऐसे भी कर लेते हैं, 2 6 12 अगर हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो 8 6 48 होता है, 48 हमारा यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो यहाँ पे क्यूब करके देख लिया नहीं हुआ, और उसके बाद हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लिया नहीं हुआ, तो हमें यहाँ पे कुछ और फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग उसको कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 और 12 है, तो एक बार 2 का हम लोग क्यूब कर लेते हैं और फिर 2 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो 2 का क्यूब हो गया 8 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, और इनको आपस में प्लस कर दिया तो हमारी वैल्यू आ गई 12, ठीक है। यानी कि एक बार क्यूब करना है, एक बार स्क्वायर करना है। अब सेम पैटर्न हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं, 8 क्यूब + 8 स्क्वायर। तो 8 का क्यूब क्या होता है आंसर, आपको पता है 8 का तो हम लोग 3 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 512, और 8 का स्क्वायर यानी कि 8 8 = 64, इनको आपस में प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 576, जो कि हमारा ऑप्शन डी में दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है, एक बार क्यूब करना है, एक बार स्क्वायर करना है, ठीक है, एक बार क्यूब एंड एक बार स्क्वायर, देन प्लस, एक बार क्यूब एंड 8 बार स्क्वायर, दोनों को प्लस। तो यहाँ पे हमारा 576 इज द करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है, अब कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद 3 क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, जो है नंबर जो फिगर काउंटिंग होते हैं, 3 क्वेश्चन उसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है, नीचे दी गई प्रश्न का सही वैन आरेख बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, बस आपको यहाँ पे दिए हुए शब्दों को पढ़ना होता है और उसी के अकॉर्डिंग हमारा सॉल्व हो जाता है। कई बार मैंने इस तरह के क्वेश्चन आपको करवाए हैं। तो क्या दे रखा है, चीन, भारत और एशिया, यहाँ पे दे रखा है चीन, भारत और एशिया। देखिए आपको पता है एशिया के अंदर ही चीन आता है, ठीक है, और एशिया के अंदर ही भारत आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा सही, ठीक है, एशिया के अंदर ही चाइना और इंडिया आता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। यानी कि ये ऐसा बनेगा, एशिया, देन इंडिया और एक चाइना, तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा सही आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये वाला। यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, टोटल ट्रायंगल कितने हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे नंबरिंग कर लेनी होती है, 1 2 3 4, और फिर इसके बाद इसको आपस में प्लस कर लेना होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, तो 10 इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसी तरह का एक क्वेश्चन आपको ये होमवर्क में करना है। पहले मैं इसके पहले वाला क्वेश्चन आपको बता दूं कि कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे दे रखा है इस तरह को, यहाँ पे आपको बताना है कि नंबर ऑफ यहाँ पे रेक्टेंगल कितने हैं, ये रेक्टेंगल कितने हैं, ठीक है, कितने हैं। इस तरह के सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे देखिए 2 तरह दिया, एक ये, ठीक है, एक ये है ऐसा, ठीक है, ये ठीक है, ये नंबरिंग कर लेनी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर उसके बाद 8 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद क्या करना होता है, 1 2 अंदर वाले फिगर को 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और 8 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे भी 16 आया, यहाँ पे भी 16 आया, 16 + 16 ये हमारा आ गया 32। इसी तरह से सॉल्व करना होता है इस तरह के क्वेश्चन को। अब इसी पैटर्न सिंपल क्या करना था,
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट को टू से मल्टीप्लाई, देन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट को टू से मल्टीप्लाई, देन सॉल्व प्लस कर लेना है, सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन, यहाँ भी सिक्सटीन यहाँ भी सिक्सटीन, फिर दोनों को प्लस करके यहाँ पे 32 हमारा हो जाता है सही आंसर। अब इसी पैटर्न पे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। थैंक यू।